कल दो सर्जरीज आई है ना जो नहीं हो पाई पावर की वजह से। हाँ जी, एक आउट पेशेंट आया था, उनके दो पेट डॉग्स थे जिसमें लड़ाई हुई, तो वो जो छोटी वाली डॉग थी इनकी चिवावा, उसकी आंख निकल गई है, तो उसकी सर्जरी के लिए वो लोग इमरजेंसी में आए। यू जस्ट वेट हियर, ओके आई एम जस्ट ब्रिंग द टीम। साहिल आ गए ना वो लोग। अगर लाइट नहीं आती तो सर्जरी तो होगी नहीं, तो एनेस्थेसिया देने का फायदा नहीं है। टाइम लगेगा, बिजली भैया तारे जल गई है पीछे ना। उसका एक आंख ऑलमोस्ट बाहर निकल आया है। ये लोग और भी जगह पे गए थे सर्जरी के लिए, लेकिन वहाँ पे सर्जन अवेलेबल नहीं थे, 1st of January है इसीलिए, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया। अनफॉर्चुनेटली पावर नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन एटलीस्ट इसको एक पेन किलर तो लगा ही देते ताकि वो थोड़े से चैन मिले उसे। We are having a electricity cut today. Yeah, yeah. And let's wait for 10-15 minutes. Yeah, sure. If possible, then we will just start the surgery. Okay, otherwise, we have to schedule it for tomorrow. जो अभी का हमने सोचा था ना कि हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट में करा लेंगे, लेकिन उसके भी आँख का इशू है ना, तो उसको भी हमको लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कल करना बेटर नहीं होगा, अभी टेम्परेचर अभी देख रहे हैं ना हम। डॉग ने पकड़ा था इसे, यहाँ से आंख के पास से पकड़ लिया तो झाड़ दिया पूरा का पूरा। हमको सराह से कॉल आया था, उन्होंने हमें बताया था ये 14 दिन पहले हुए। What? Oh my God. अगर 14 दिन वो बोल रहा था तो उसको नहीं हुआ कि 14 दिन के बाद कर रहा कॉल? आज ही देखा होगा उसको भी। पहला तो हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि हम इसका एंटी रेबीज शेड्यूल कम्प्लीट करें, तो कल से शुरू करेंगे हम इसको। सलोनी हमारे पास इधर तो प्रॉब्लम जाएगा बिजली का, क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं है, रात भर में ठंड बढ़ जाएगी। को फोकल के पास कुछ ब्लोअर है ना, हाँ। तो ब्लोअर ऑन करके वहाँ पे रखवा देते हैं एक पॉपी को ना। यार वी नीड अ फेवर ना, आज रात तक बिजली नहीं आएगी ना क्लिनिक में, सो सारे पपीज को भी ट्राइंग टू फिट देम समवेयर और दी अदर ना, सबके घरों में। तो ज्योति 3 पपीज ले रही है, मैं 1 पपी ले रही हूँ, तुम संध्या को ले सकती हो आज रात के लिए। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। लाइट आ दिया, ये दोनों हो जाएंगे, वो ले आएंगे मैं पेट को। हां जी, मैंने टाइम दिया है 10:15 तक, यानी हां उनको यहां पे आना ठीक है। आज आपके डॉक्टर एक ही होंगे ना? डॉक्टर रजत आए हैं हमारे लिए, वो सर्जरी के लिए मेनली आए हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं ना, रिपीट ऑन स्ट्रीट भी बढ़ गया है। हमारा एनिमल एरिया देखो कितना खाली लग रहा है, क्योंकि हमारे सारे एनिमल्स बेचारे अंदर केजेस में या उनके केनल्स में है और काउ शेड में है, और एक हफ्ते तक बारिश होने की संभावना है, तो ये कब जाएगा और क्यों ये हो रहा है हमारे साथ? अंदर है ना तो ठीक है, लेकिन जब उनका बेडिंग और ये सब दिन भर ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि जितना अंदर रहेंगे उतना उनको सूखा बेडिंग का जरूरत है। अखरोट को है कहाँ, वो इनविजिबल क्यों? यहाँ 6 लोग खड़े हैं, अखरोट आ रहा है, लेकिन किसने भी बोला नहीं कि अखरोट को लाओ। अखरोट चलो 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 चलो, ये हमारा भालू आ गया। अब हमें डिप्रेशन के ऊपर वीडियो बनाना होगा, तो वी हैव टू फाइंड अनदर एनिमल। कौन रहेगा नेक्स्ट कैंडिडेट? ज्योति को सब पता होता है कौन सी गाय सुसाइडल है। थी ना तुम्हारे यहाँ पे? हाँ हिचकी थी। अखरोट की जो डॉक्टर है उनका नाम कबीर है, धर्मशाला में एक विलेज है कनियारा करके, वो वहाँ पे रहते हैं और वो उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अखरोट की स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी, तो वो खुद आए अखरोट से 2-3 बार मिले हैं और अब फाइनली वो उसे ले जा रहे हैं। जानता हूँ कि ऐसे कुत्ते अडॉप्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पपी को ही अडॉप्ट करना चाहते हैं और ओल्ड डॉग के अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने अखरोट का लिया। अब बोन फंसा है बता रही है वो गले में, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बोन सामने ही है या अंदर है, तो सर्जरी का केस भी हो सकता है। अगर हुआ कि बहुत ज़्यादा अंदर है तो फिर उस डॉग को ले आएंगे हम, और अगर नहीं हुआ तो वहीं पर मैनेज करना है। हाँ मटन दिया है ना, रात को खाना डाला था और मटन डाला था साथ में, वो हट दिया। अच्छा आपने डाला था? मैंने टपरी बनाई है, टपरी के अंदर घुसी है। नहीं नहीं भागी गई है, ठीक है भैया एक दम से ना। मैम पीछे हो जा, कल का खाना नहीं खाया इसने, रात को डाला हुआ था इसको ना, ये निकल जाएगी। पता मैंने रात का खाना मैंने भी नहीं खाया, इतनी टेंशन थी मुझे, इतनी टेंशन थी इसकी ना, पकड़ी रहा नहीं चुपचाप का सीन निकला, हिल तो गई है। हां ये थी दांत में थी फंसी हुई इसके, चलो भाग जाओ, चल 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 छोड़ो छोड़ो। चंबी से हमें अक्षय जी का फोन आया था, ये जो डॉग है उसके लिए उन्होंने उसको इस कंडीशन में ही पाया, तो मोस्टली तो एक्सीडेंट केस ही लग रहा है। गाड़ी जो है इसके फेस पे बजी थी, तो लकीली से कोई फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन जो नाक के पास है ऐसे थोड़ी चोट लगी है, तो इसे थोड़ा सा ब्रीदिंग में इशू आ रहा है, इसके बाकी जो वाइटल्स हैं बिल्कुल नॉर्मल है। यार मेरे को है ना अडॉप्शन पे इतने वियर्ड कॉल्स आते हैं ना, लाइक लोग लिटरली फ़ोन करके पूछते हैं कि आप डॉग को डिलीवरी कर दोगे घर तक, या फिर आप कुरियर कर दोगे डॉग को। मेरे को तो पता नहीं मैं कैसे आंसर करूँ ऐसे क्वेश्चंस को, लाइक इट्स जस्ट
किसी ने डीटीडीसी भी पूछा था, डीटीडीसी बोला ब्लू डार्ट से भेज सकते हो क्या डॉग को? मैंने बोला यार आप अडॉप्शन कर रहे हो यार, मतलब आप अपने फैमिली में एक मेंबर ला रहे हो यार, कुरियर और ये सब तो बातें मत करो। अभी पंखुड़ी के डॉक्टर आ रहे हैं आशीष जी, जिनसे हमारी बात हुई थी, उनकी वाइफ आई है, उसे यहाँ से पिक कर। ऐसे तो शांत है डॉग, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस में हो सकती है, पहले पपीज के साथ रहती थी ना, अभी अचानक से लेके जा रहे हैं। मैम इसका डीवॉर्मिंग और सब कुछ हो चुका है, तो मैं अपनी बात करेगा, एंटी रेबीज भी हो गया है इसका। फ्यूमिगेशन हम लोग अभी अपने ओटी रूम की कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर जो है डिसइंफेक्शन हो जाए हमारे ओटी रूम का, किसी भी तरह के इन्फेक्शन का चांस ना रहे दूसरे जानवर को, जिसका अगली नेक्स्ट टाइम हमने ऑपरेशन करना है। ये पेट है, ये है स्ट्रेन, लेकिन ये इसका खाना वगैरह आप लोग देखते हैं कहाँ पे ट्यूमर है, कैंसर तो है, लेकिन अब इसकी पूरी बॉडी में फैल गया तो कैंसर हो गया है उसको ना, पूरा कैंसरस ग्रोथ हो गई है सारी, पीनस पे है और ये है और प्लस यहाँ पे मुँह में भी यहाँ पे एक ट्यूमरस ग्रोथ हो गई है, और बॉडी पे मल्टीपल जगह पे, मतलब 8-10 जगह पे है जिसमें ग्रोथ हो रही है, जैसे आप कहते हैं मेटास्टाइज हो गया अंदर, मेटास्टाइज। कितने टाइम से है वहाँ पे ऐसी हालत में? डेढ़ दो रोज। आपने अच्छा किया आप ले आए, लोग तो या तो परवाह नहीं मारते, देख भी लेते हैं तो कई बार बस एक फ़ोन कर देंगे कि यहाँ पे है। अपने आप अच्छा फील नहीं हो रहा था ना मुझे देख के, फिर मैंने सोचा मैं ले जाता हूँ उसको। अभी इसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी है ना, तो उससे हमें ये देखेंगे कि अब ट्यूमर साइज में कितना रिडक्शन होता है। जैसे आपने कीमोथेरेपी दी तो रिमिशन में चला जाएगा शायद, हाँ, पर अगर नहीं गया तो सर्जिकली हम उनको रिमूव कर सकते हैं जो बाहर दिख रहे हैं। जो इसका पीनस पे है वो भी सर्जिकली रिमूव हो जाएगा सर्जिकली। अब हम होप तो ये करें कि कीमोथेरेपी से साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो अभी ये तब तक यूरिनेट कैसे कर रहा है? उनको भी आइडिया नहीं है कि यूरिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है, कर तो रहा ही होगा, अगर की तो बात नहीं है, तो ये पेनफुली कर रहा होगा, पेन तो नहीं लग रहा इसको अभी। अगर नहीं कर पा रहा है तो हम कैथेटर पास ऑन कर देंगे। जॉल से 3 पपी आए थे, उसमें से जो चिंदी है उसकी तबीयत बिगड़ी है अचानक से, उसने सुबह खाना नहीं खाया है, थोड़ा अभी प्रिकॉशन लेके हमने उसको ओटी में शिफ्ट कर दिया हुआ है, ट्रीटमेंट शुरू कर दी है और सबको उसको टच करने से मना किया है, कोई एक पर्सन ही होगा जो उसको अटेंड करेगा। इसको साइनस का इशू हो गया है, इस बार एंटीबायोटिक नहीं प्रेफर कर रहे क्योंकि हम इसको ऑलरेडी काफ़ी एंटीबायोटिक दे चुके हैं, तो इस वजह से हमने इसकी थेरेपी चेंज कर दी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उबलता पानी से इसको जो स्टीम थेरेपी होती है वो हम करें, उसके अलावा हम नेजल ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं। आज हमने जितना भी अंदर म्यूकस होगा उसको क्लीन करने की कोशिश की है। फिलहाल हमारा जमानाबाद से केस आया है, वायर ट्रैप का केस है, और जो डॉग है उसके बच्चे भी हैं ना, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम उसका ट्रीटमेंट वहीं कर पाएँ, होपफुली एम्पुटेशन का केस ना हो, बट अगर लगे तो मुझे कॉल करके पहले बता देना, ठीक है? जो डॉग बताइए उसके बच्चे तो यही हैं, बच्चे तो ही फिर रहे हैं ना, तो देख लेते हैं। भाई नहीं मिली तो मैं भी आगे तक देख के आया, रोड रोड भी आगे गया नहीं काफी यार, भाई ये भी बारिश सूखी है तो कहीं गई है। लास्ट वीक जो हमने रैत से एक पपी रेस्क्यू किया था जिसके गले में एक बहुत गहरा घाव था, उसको हमें रिलीज करना पड़ा है उसके एरिया में वापस, हमारे पास जगह नहीं थी, हमारे पास बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस आ रहे थे अभी पपीज के लिए, तो हमें थोड़ा सा जगह का जरूरत था इसलिए हमने उसको रिलीज किया है। अभी घाव पहले से बहुत बेहतर है, हमने उनके केयर टेकर को जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, हेलो बेदू, हेलो बेदू, हमारा नया रेस्क्यू है, इसके पिछले दोनों पैरों में चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ था, अच्छी बात है कि उन लोगों ने तुरंत इसको यहाँ पे ले आए, ट्रीटमेंट करवाया, उस टाइम जगह नहीं थी तो उन्होंने पहले ही दिन के लिए उसको रखा भी, और शाम तक ही हमने इसके लिए थोड़ी सी जगह बना के इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा लिया है। वैक्सीनेशन हम कर नहीं सकते क्योंकि वेदर इतना खराब है यहाँ पर कि उसका प्रॉब्लम और बढ़ सकता है वैक्सीनेशन की वजह से, तो अभी हम किसी भी पपी को वैक्सीनेट नहीं करेंगे जिनका ड्यू था, और अच्छी बात है कि बाकी सारे पपीज हमारे वैक्सीनेटेड हैं, बड़े डॉग्स भी। अंदर एक आउट पेशेंट डॉग है जिसकी सर्जरी हो रही है, कल ही हम करने वाले थे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया था यहाँ पे, इस वजह से हम कर नहीं पाए, तो हमने सुबह इसकी सर्जरी अभी अर्जेंसी में कर रहे हैं। अभी इसकी आँख हमें शायद रिमूव ही करनी पड़ेगी क्योंकि अगर अभी हम कुछ और करेंगे तो आगे इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेज हैं। सर्जरी सक्सेसफुल रही और डॉग अपने घर में है अभी, 14th को उसको सूचर ओपनिंग के लिए बुलाया गया है, फिलहाल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है,
अभी वो रिकवरी स्टेज पे ही है। फर्स्ट ऑफ जनवरी को जो हमने आई इंजरी वाला एक पॉपी रेस्क्यू किया था, जब हमने सेकेंड डे सर्जरी के लिए जब हम उसको प्रिपेयर करने वाले थे, तब हमें पता चला कि भाई उसका जो इन्फेक्शन था वो बहुत बुरी तरीके से अंदर फैला हुआ था, क्योंकि ये 14 दिन पुराना केस था, डॉग बाइट का केस था, और अंदर से उसका जो ये आई वाला सॉकेट होता है, ये जो स्केलेटन का जो हिस्सा, वो पूरी तरीके से टूटा हुआ था, पूरा पस अंदर तक फैल चुका था, और जब हम प्रॉपर चेकअप कर रहे थे उस टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी। इस हफ्ते आस्था जी आए थे पालमपुर से रजिया से मिलने, उन्होंने फिर उसका अडॉप्शन फाइनल किया, एंड दो दिन बाद ही हमने रजिया को पालमपुर भेज दिया था। उन्होंने काफी सारी वीडियोस हमसे शेयर की जिसमें रजिया बहुत ही ज्यादा वहाँ पे खुश लग रही है। क्या आपको हमारी स्पीति फिल्म की नोटिफिकेशन नहीं आई? अगर नहीं आई है इसका मतलब आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और यानी आप बेल आइकन नहीं दबा रखा, तो प्लीज कर दीजिएगा।